सत श्री अकाल जी, आप सब जी का स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब पंजाब के उत्ते। अज की वीडियो राजे काफ़ी इंपोर्टेंट है अपने हैड कॉन्सटेबल और कॉन्सटेबल पेपर वास्ते। कल के पेपर के विच ना तीन चार पूछिया गई ने फुल फॉर्म, जिन्होंने आप एबरीवेशन भी कह दें या फुल फॉर्म भी कह दें। तो अज वाली वीडियो आप बहुत सुपरफास्ट करांगे। ये मैं थोड़ा 60+ जड़िया है सुपरफास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म करवाऊँगा। पेपर के जाने तो पहला वीडियो जरूर देखियो। जिन्हों का पेपर अज है तो जिन्हों का हजे होना उन्होंने वीडियो को 2 बारी रिपीट कर लेना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट जड़िया है फुल फॉर्म थोड़ा मैं करवा जा रहा। तो ये एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है कि जस्ट आप याद ही रखनिया ने, तो याद रह जाएगी, थोड़ी जी समझ के करनी है। तो चलते हैं जी, आप स्टार्ट कर लगे हाँ। वीडियो में लाइक कर दो, शेयर कर दो, तो जोड़े बच्चे नवे ने चैनल में कर लो सबसक्राइब। चलो जी आप करते हैं स्टार्ट। पहली फुल फॉर्म हैगी है जी कहता बी एम पी की फुल फॉर्म की है। बी एम पी बेसिकली एक ना पिक्चर की क्या है एक्सटेंशन है, ठीक है। तो यह राइट आंसर बनता राजे बिट मैप। बी एम पी को कह देंगे बिट मैप कह देंगे। नैक्सट चलते आप मीनिंग ऑफ कहता फोटन। फोटन एक प्रोग्रामिंग लैंगुएज है जी पहला यूज हुई सी, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंगुएज भी है, ठीक है। तो यदि फुल फॉर्म पूछ रहा है तो तुसी देखो मैं तो हुण डायरैक्ट तुहानूं करवा रहा सुपरफास्ट, क्योंकि तुसी पेपर दे विच जाना थोड़ा टाइम ना वेस्ट होवे। बट तुसी पेपर दे विच सारियां ऑप्शनां पढ़नियां। कई बार की हुंदा कि बिल्कुल सेम ऑप्शनां हुंदियां, आपां पहला अखर पढ़ लैंदे फार्मूला आपां टिक करके आ जांदे हां। बहुत वारी अपने तो गलती हुंदी है, तुसी इह गलती नहीं करनीगी। तो इहदा राइट आंसर बनदा राजे फार्मूला ट्रांसलेशन। नैक्सट चलदे हां जी आपां, इह हैगा जी नैटवर्क तो क्वेश्चन है कहंदा ISDN। ISDN एक नैटवर्क हुंदा है। इहदा मीनिंग की है राजे, इहदा आंसर है जी इंटीग्रेटिड सर्विसिज डिजिटल नैटवर्क, ठीक है। ये राइट आंसर आएगा। नैक्सट चलते हैं जी आप कहता पी एन जी भी एक पिक्चर की एक्सटेंशन हैगी है। ये भी बहुत बारी पूछी जाती है पी एन जी तो की मतलब है। तो पी एन जी है राजे पोर्टेबल नैटवर्क ग्राफिक्स। अगे चलते हैं जी रोम की फुल फॉर्म, ये तो सारे आँदी होगी, ठीक है जी। रोम होंगे जी रीड ओनली मैमरी। अगे चलते हैं जी। अच्छा जी रोम का मैं करवाता, तुसी नाल ईपी रोम का भी कर लेना है, ठीक है। पी रोम का भी कर लेना है, डबल ईपी रोम भी कर लेना है। ये भी सारे इंपोर्टेंट है, मैं बोल के दस दिना। पी का मतलब होंगे जी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मैमरी। ई का मतलब होंगे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मैमरी। ये सब तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इतने इलैक्ट्रॉनिक लिखा होंगे जो कि गलत है। इलैक्ट्रॉनिक नहीं राजे है इलैक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मैमरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इतों क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। ई फॉर इलैक्ट्रिकली, ये याद रखना। अगे चलते हैं जी आप USB की फुल फॉर्म, जिन्होंने आप पेन ड्राइव कहते हैं। ये भी बहुत बारी पूछी जाती है राजे। ये हैगी है जी यूनीवर्सल सीरियल बस। अगे हैगा जी नैटवर्क तो फिर क्वेश्चन आ गया सैप की फुल फॉर्म, ठीक है जी। ये भी बहुत बारी पूछी जाती है राजे। इनू कह देंगे जी सर्विस एक्सैस पॉइंट, ठीक है। जिथे मान लो अपनी रेंज वगैरह आ रही है वाईफाई की, या फिर आप जिथे कोई अपन सर्विस प्रोवाइड हो रही है। अगे गल करते हैं जी CSS। ये हैगा जी HTML दे विच एक लैंगुएज यूज होंदी है, एक स्टाइल शीट यूज होंदी है। तो इथों भी क्वेश्चन आ जाता है। इसकी फुल फॉर्म हैगी है जी कास्केडिंग स्टाइल शीट। अगे गल करते हैं जी PHP। ये बहुत बारी आउंदा है, क्योंकि इत्थे बच्चे तुक्का की मारते हैं P फॉर A, H फॉर A, P फॉर A ना। इसकी फुल फॉर्म बहुत वक्री है, क्योंकि इसदे विच P ना पिछे जाके लगता है। तो इसका राइट आंसर हैगा जी हाइपर टैक्सट प्री प्रोसैसर, ठीक है जी। H इत्थे आ गया, P इत्थे आ गया, P इत्थे आ गया। तो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसैसर। तो एग्जामिनर हमेशा तुहानूं फसाउण की कोशिश करूगा भी बच्चे गलती करन। तो इत्थे बच्चे गलती कर सकते हैं, हो सकता तुहानूं अज दे पेपर दे विच आ जे। अगे गल करते हैं जी फुल फॉर्म ऑफ IC। IC की फुल फॉर्म सारिआं नूं पता होगी, मैं पहले भी कराई हुई है इंटीग्रेटिड सर्किट। किने बनाया सीगा, ठीक है जी। तुसीं भी मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच दस सकदे हो। अगे गल करते हैं जी फुल फॉर्म ऑफ PDF जी तुसी वार-वार मंगते रहने हो भाई, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म हैगी है जी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगे गल करते हैं जी वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CRT। ये मैं करवाई हुई सी, ये कल के पेपर च आया सी भाई। ये भी बहुत वधिया क्वेश्चन है। तो CRT की फुल फॉर्म हैगी है जी कैथोड रे ट्यूब, ठीक है जी। हुण तुसी नाल दी नाल की कर लेना LCD की फुल फॉर्म पढ़ के जानी है, LED की फुल फॉर्म पढ़ के जानी है, TFT की फुल फॉर्म पढ़ के जानी है, ठीक है जी। ये होंगे जी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। मैं दस दिना लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है जी। तो TFT भी पढ़ के जानी है, ठीक है। ये जरूर पढ़ के जानी है, कमेंट बॉक्स में दस दो। अगे गल करते हैं जी वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सोप। ठीक है जी, ये भी बहुत वधिया क्वेश्चन है, नैटवर्क के उपर है। तो सोप होंगे जी सिंपल ऑब्जैक्ट असैस प्रोटोकॉल, सिंपल ऑब्जैक्ट असैस प्रोटोकॉल। अगे गल करते हैं जी एच टी टी पी, ये है जी थोड़ा प्रोटोकॉल है जोड़ा कि यूज होंगे टैक्सट को ट्रांसफर करने वास्ते, है जी हाइपर टैक्सट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हूँ ये एक पूछ लेंगे होंगे जी एच टी टी पी एस, तो वो पूछ लेंगे भी एस का मतलब की है, जो पूरा पूछे तो हाइपर टैक्सट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, कई बार पूछ लेंगे भी एस का मतलब की है, तो एस का मतलब है जी सिक्योर। ठीक है, जिथे जिवें आप मान लो गूगल पे करते हैं, पेटीएम करते हैं, बैंक की नैट बैंकिंग यूज करते हैं, उत्थे एक ना एस एस एल लेयर यूज की जाती है, सिक्योर सॉकेट लेयर। तो उत्थे मतलब कि डाटा को प्रोटैक्ट करने वास्ते। अगे है जी आई एस पी की फुल फॉर्म, ये भी मैं तुहानूं करवाई हुई है राजे, ये की है जी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगे फुल फॉर्म ऑफ एच टी एम एल, शायद रिपीट हो गया, हाइपर टैक्सट ट्रांसफर, हाइपर टैक्सट मार्कअप लैंगुएज, नहीं रिपीट नहीं होया, वो सीगा अपना एच टी टी पी। ठीक है, एच टी एम एल की फुल फॉर्म है जी हाइपर टैक्सट मार्कअप लैंगुएज। अगे चलते हैं बेटे आई एस ओ, जोड़ा कि अपना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है मेनटेन करता है, तो यदि फुल फॉर्म पूछ रहे हैं तो यदि फुल फॉर्म होंगी है राजे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगे है जी सी डी की फुल फॉर्म, तो कॉम्पैक्ट डिस्क, कई बार पूछ लेंगे सी डी रोम, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मैमरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मैमरी। कई बार पूछ लेंगे सी डी आर, इनू कह देंगे जी कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल। एक पूछ लेंगे जी सी डी आर डबल्यू, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। ठीक है, रीड और राइट मतलब ये आप लिख भी सकते हैं, सी डी जो चीज़ पई है उन्होंने आप रेज करके नवी सी डी भी भर सकते हैं, ये पहले चलदी होंगे सी डी आर डबल्यू। अगे है जी फुल फॉर्म ऑफ वी एल एस आई। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटिड सर्किट, इंटीग्रेटिड भी आ सकता, इंटीग्रेशन भी आ सकता, तो कोई चक्कर नहीं है। नाल ही यू एल एस आई भी पढ़ लेना, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, एम मीडियम स्केल, ठीक है इंटीग्रेशन चिप भी पूछ लेंगे, तो सारे पढ़ लेने। अगे है जी कहता फुल फॉर्म ऑफ मैक, ये भी बहुत पूछा जाता जी, है जी मीडिया असैस कंट्रोल। मैक एड्रैस इन फिजिकल एड्रैस बोलते हैं, की बोलते राजे फिजिकल एड्रैस बोलते हैं। ठीक है, जिवें आई पी की होंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल, यह होंगे जी लॉजिकल एड्रैस, मैक होंगे फिजिकल एड्रैस, तो यह है जी थोड़ा मीडिया असैस कंट्रोल। अगे है जी फुल फॉर्म ऑफ ट्रिपल डबल्यू, यह है जी वर्ड वाइड वैब, तो एक आ जाता जी चार बारी डबल्यू, यह है जी वर्ल्ड वाइड वैब वॉम। ठीक है जी, वॉम। अगे है जी एफ टी पी की फुल फॉर्म, तो यह सारे पता ही होगा राजे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है जी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगे फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई, ये भी बहुत बार पूछा जाता क्वेश्चन, बहुत ही बारी आता है वायरलैस फैडिलिटी। ठीक है जी, वायरलैस फैडिलिटी। नैक्सट चलते हैं जी आप फुल फॉर्म ऑफ आई पी, ये मैं करवाता चलो। ठीक है जी, ये तो है जी इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगे मीनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट है ना, वर्ड की एक्सटेंशन है डॉट डी ओ सी एक्स 19 की। ठीक है, हुण इहदा पुछ लिया कहंदा, तां इहनूं की कहंदे राजे, इहनूं कहंदे डॉक्यूमेंट एक्सटेंडिड। अगे आ जी वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ए एस पी, एक लैंगुएज है। ठीक है, इहनूं कह देंगे जी एक्टिव सर्वर पेजिज। अगे फुल फॉर्म ऑफ आरटीसी, आरटीसी एक ना क्लॉक लगा होंदा अपने माइक्रो प्रोसैसर दे नाल। ठीक है, जिहदे विच स्पीड मेजर करते हैं आप कंप्यूटर की, तो आरटीसी का मतलब पूछ रहा। ठीक है, आरटीसी का मतलब है जी रियल टाइम क्लॉक। अगे है जी वट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूडीपी, एक ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है यूडीपी, इसका फुल फॉर्म है जी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अगे गल करते हैं जी वट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी, टीसीपी भी एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, तो यदि की फुल फॉर्म बनती है जी, यदि बनती है जी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगे है जी वट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीक्वल, एक डाटाबेस की लैंगुएज है, इतों भी क्वेश्चन कई बार आ जाता राजे। यदि फुल फॉर्म बनती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंगुएज, स्ट्रक्चर्ड है जी, स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखियो बस। अगे आ गया जी वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डबल्यू एम बी, एक ना मतलब सॉन्ग जिमें आप सुनते हैं म्यूजिक की एक फाइल की एक्सटेंशन है डबल्यू एम बी, तो इसका राइट आंसर बनता राजे विंडो मीडिया वीडियो। अगे एक क्वेश्चन कई बार बहुत पूछते हैं, कहता जे F8 की आप 3 बारी प्रैस कर दी है तो की होगा, आप एक सेंटेंस की कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। हम तुम मैं ये दसना है भी जे मैं 2 बारी नपूंगा तो की सिलेक्ट होगा। ठीक है, ये भी याद रखना, जे मैं 4 बारी नपूंगा तो की होगा, ये सारा कुछ पूछते हैं। ठीक है, अगे है जी वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ XML। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता पेपरों के विच पंजाब के अक्सर। ये है जी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, फुल फॉर्म ऑफ ARP। ठीक है जी, ARP की फुल फॉर्म हैगी है थोड़ी एड्रैस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, आ रहा एड्रैस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अगे चलते हैं जी, कहता वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्काई। ठीक है, एक ना नंबर सिस्टम है, एक नंबर सिस्टम का की है फॉर्मेट है। ठीक है, ये 7 बिट ते 8 बिट के आता, बस इसकी फुल फॉर्म याद रख लो। इसकी फुल फॉर्म हैगी है जी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इनफॉरमेशन इंटरचेंज, बहुत बारी पूछते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगे आ गया जी वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक। बेसिक एक लैंगुएज सी राजे, इसकी फुल फॉर्म हैगी है जी बिगनर ऑल परपज सिंबोलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अगे है जी वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BPS। ये ना वैसे आप मतलब कि जो इंटरनेट की स्पीड है उन्होंने मेयर करने वास्ते वरत्या जाता, जिवें आप कह देंगे इन्ने मैगा बिट्स पर सैकेंड BPS शॉर्ट फॉर्म के लिखते हैं। तो यदा की फुल फॉर्म है, बच्चे बाइट लिख के आते नहीं राजे, ये फुल फॉर्म हैगी बिट्स पर सैकेंड। की हैगी जी बिट्स पर सैकेंड। अगे है जी वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DARPA। मैं ARPA नेट की भी कराई हुई है, DARPA उस तो पहला आई सी। तो DARPA की भी पूछी जा सकती है राजे। ये हैगी जी थोड़ी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, डी। अगे हैगा जी वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DRAM। तो रैम की सबनों पता ही है राजे, रैंडम सैस मैमरी। एक होंदा SRAM जिन्होंने कह देंगे स्टैटिक रैंडम सैस मैमरी। इतने DRAM की पूछ रहा है, तो DRAM की बन जाती है राजे डायनमिक रैंडम सैस मैमरी। हुण एक बार ना एक पेपर आया तो बड़ा ही औखा पूछ रहा, इस तो भी एडवांस होंदा एक SDRAM। ठीक है, हुण ये की होंदा है इतने जिवें हुण डायनमिक रैंडम सैस मैमरी का अपन पता है, इतने S बच्चे स्टैटिक ला के आ गए। स्टैटिक नहीं है, इत्थे है सिंक्रोनाइज। ठीक है, याद रख लियो सिंक्रोनाइज डायनमिक सैस रैंडम सैस मैमरी। अगे है जी फुल फॉर्म ऑफ FM। ठीक है, FM जो आप सुनते हैं, ठीक है, इनू कह देंगे जी फ्रीकुएंसी मॉडुलेशन। अगे आ गया जी फैट। ये अपना विंडो के यूज होंगे जो आप पार्टीशन करते हैं। ठीक है, ये अलग अलग सिस्टम होंगे, इनू कह देंगे जी फाइल एलोकेशन टेबल। अगे आ गया जी फुल फॉर्म ऑफ JPEG, जिहड़ियां फोटो वगैरह खिंचते हैं मोबाइल के विच, इनू कह देंगे राजे ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। अगे है जी वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मॉडम। ठीक है जी, मॉडम दो चीज़ों तो बने, मॉडुलेशन तो डीमॉडुलेशन। मॉडुलेटर डीमॉडुलेटर भी कह देंगे, इसकी फुल फॉर्म की है, ये आ गई है मॉडुलेटर एंड डीमॉडुलेटर। जो मॉडुलेशन एंड डीमॉडुलेशन लिखा वो भी ठीक होगा। अगे है जी वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NOS। ये है जी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नैटवर्क के वरत्या जाता है, इनू कह देंगे जी नैटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगे आ गया जी वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OMR, जी शीट तुम यूज करते हो अपना लिखने वास्ते, जी पेपर च मिलती है, इनू कह देंगे जी ऑप्टिकल मार्क रिकोगनाइजेशन। ठीक है, रिकोगनाइजेशन। ठीक है, OMR। वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SMTP। ये है जी ईमेल दे विच वरत्या जाने वाला प्रोटोकॉल है, इनू कह देंगे जी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगे है जी फुल फॉर्म ऑफ URL। ठीक है जी यूनीफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये मैं करवाया भी होया यूनीफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगे आ गया जी फुल फॉर्म ऑफ वायरस। ठीक है जी, वायरस की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये भी थोड़ा मैं करवाई हुई है राजे, इनू कह देंगे जी वाइटल इनफॉरमेशन रिसोर्सिज अंडर सीज, सी आंसर। अगे आ गया जी वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMEI। ये मोबाइल के एक नंबर होंगे, हरेक मोबाइल का अपना अपना एक नंबर होंगे। मान लो मोबाइल गुआच भी जाए तो इतों ट्रेस हो जाता है। ठीक है, तो इनू कह देंगे राजे इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। अगे है जी PDA की फुल फॉर्म, ये थोड़ा मैं करवाया होया परसनल डिजिटल असिस्टेंट है अपना। ठीक है, जिवें PDA आउंदे ना छोटे छोटे, जिवें पुराने बजुर्ग जेब के डायरी रखते थे, अजकल आप डिजिटल फॉर्म के छोटा जिहा मोबाइल टाइप होंगे, उन्होंने कह देंगे परसनल डिजिटल असिस्टेंट। अगे आ गया जी वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FLOPS। FLOPS की एक यूनिट है जिहड़ा कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड मेजर करता है। सुपर कंप्यूटर की की करता, स्पीड मेजर करता। कई बार क्वेश्चन आए पूछ लेंगे है कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड किहदे मेजर की जाती है, तो आंसर आ जाएगा FLOPS। हुण इत्थे तां फुल फॉर्म की गल कर रहे हैं आपां, तो इहदी फुल फॉर्म हैगी जी फ्लोटिंग ऑपरेशनस पर सैकेंड। अगे एक लैंगुएज है जी विच इज़ वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CBOL। ये भी एक लैंगुएज सी, पुरानी लैंगुएज सी, हुण तां बंद हो गई है। ये है जी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंगुएज। सी आंसर। अगे नैटवर्क तो आ गया जी मैन, ठीक है सारे पढ़ लेने राजे। पैन होंगे जी परसनल एरिया नैटवर्क, लैन होंगे लोकल एरिया नैटवर्क, ठीक है जी। वैन होंगे वाइड एरिया नैटवर्क, तो जो मैन होंगे इन्हूं पूछा जाता है राजे, इन्हूं कह दिंदे मैट्रोपोलिटन एरिया नैटवर्क। मैट्रोपोलिटन का मतलब होंगे जिवें आपां मैट्रो सिटी दे विच एक शहर हो गया, एक कस्बा हो गया। अगे हैगा जी वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DTP। DTP एक ना मतलब कि अपने कंप्यूटर के विच ही हुंदा, डेस्कटॉप तुसीं सारिआं ने सुणिआ ही होऊगा, ठीक है। उन्होंने कह देंगे डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। अगे आ गया जी वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CUI। तो CUI की दो फुल फॉर्म आंदियां जिहड़ियां इत्थे हैगी राजे, इहनूं कह देंगे कमांड यूजर इंटरफेस, जां फिर इहनूं करैक्टर यूजर इंटरफेस भी कह देंगे, करैक्टर यूजर इंटरफेस। अगे गल करते हैं वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बायोस। बायोस होंगे जो आप कंप्यूटर ऑन करते हैं ना, स्टार्टिंग एक सैटिंग चलदियां ने, इतों बहुत क्वेश्चन आता है, कहते हैं जी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगे वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DNS। ये मतलब कि अपने नैट वास्ते जिहड़ियां लाइनस यूज की जांदियां उहदी फुल फॉर्म है DNS। सॉरी DNS हैगा जी अपना, जिवें मान लो कि आपां एड्रैस लिखते हैं ना, URL लिखते हैं, जिवें मान लो मैं @gmail पा रहा पिछे, तो एक किहड़ी कंपनी की डोमेन है, तो यह है जी थोड़ा डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है जी। डोमेन नेम सिस्टम है थोड़ा, ठीक है, वो DSL होंगी, मैं तुहानूं अगे करवाउणा। अगे गल करते हैं जी वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DOS। DOS है जी एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का की सीगा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सीगा, अजकल तो बंद हो गया, इहनूं कह देंगे जी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये CUI के उपर काम करता, जिन्होंने कह देंगे कमांड यूजर इंटरफेस। आ गया यार फुल फॉर्म ऑफ DSL। ये होंदियां ने वायरस जिहड़ियां, वायर जिहड़ियां कि यूज होंदियां नैट वगैरह वास्ते, ठीक है। इत्थों भी क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, तो इन्हूं कह दिंदे जी डिजिटल सबसक्राइबर लाइन। देखो 16 मोस्ट इंपोर्टेंट मैं करवा दी, हुण अगे चलदे हैं जी। मैं हुण करवा रहा तीन, हुण जिहड़ियां मैं करवा रहा इन्हूं नहीं भुलणागा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। हुण इत्थे भलेखा की खांदे बच्चे, ये तीन तरह के कंप्यूटर होंदे। एक होंदा जी ENIAC, शायद कल के पेपर च आया भी है। तो देखो बड़िया क्लोज क्लोज जी ऑप्शन ने, इसका जो राइट आंसर बनता वो ये बनता जी E for इलैक्ट्रॉनिक, N for न्यूमेरिक, I for इंटीग्रेटर एंड C for कैलकुलेटर। हम कैलकुलेटर की जगह पर जो कंप्यूटर लिखा तो वह भी चल जूगा, कोई चक्कर नहीं, कैलकुलेटर तो ही कंप्यूटर बनया। हम देखो नाल-नाल दी ऑप्शन की है, इलैक्ट्रीकल, इत्थे इलैक्ट्रीकल लिखा होया, न्यूमेरिकल लिखा है गलत है, इत्थे इलैक्ट्रीकल लिखा गलत है, इलैक्ट्रो लिखा गलत है। हम अगे चलते हैं जी, सेम ये वर्ग ही है EDVAC। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ, ENIAC ਤੇ EDVAC। ਹੁਣ EDVAC ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਸੇਮ ਹੈ ਜੀ E for ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ, D for ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, D for ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ, V for ਵੇਰੀਏਬਲ, A for ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੇ C for ਕੰਪਿਊਟਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ UNIBAC। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਸਕਦਾ, 99% ਚਾਂਸ ਹੈ ਆਉਣ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ GIF ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, A ਹੈ, B ਹੈ, C ਹੈ ਜਾਂ D ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ बड़े आपां कहना भी इंसान की फितरत है, इंसान कहना मेरे तो चलाक बंदा कोई भी नहीं हैगा, है ना, मैं जो कहां जो चाहां कर सकदा। पर कहते भी जिन तक वो परमात्मा ने जो लिखा वो हुक्म के चलना पैंदा, है ना। जे आपां कहिए भी मैं तो बड़ा ओवर स्मार्ट है जी, मैं एनालिसिस कर लूँगा, फलानी शिफ्ट का कर लूँगा, अगली शिफ्ट मैं मल्ला मार लूँगा, ये कदे नहीं हुंदा गा, ठीक है, ये कदे नहीं हुंदा। मेहनत करना अपना फर्ज है, बाकी देना या ना देना तो परमात्मा के हत्थ दे विच है। गुरबाणी च भी कहते जी सबनी छाला मारियां करता करे सो होए, है ना। जेड़ा मतलब कि हरेक बंदा अपना जोर लाउंदा है, पर कहंदे हुंदा ओही है जेड़ा ओह खसम चाहुंदा है, परमात्मा चाहुंदा है, ठीक है जी। तो इस करके टेंशन नहीं लैनी कि 70% तुसीं मेहनत करो, बाकी तां 30% ओहदे हुक्म दे विच रहना पैना। जे उहने तुहानूं कोई नई चीज़ दित्ती तां इहदे विच तुहाडा भला ही होऊगा, ठीक है। रिग्रैट फील नहीं करनागा, ना ही कदे अदास होना, ते ना ही जिंदगी दे विच ढैंदी कला वल जाना, चढ़दी कला च रहना, ठीक है। कोई चक्कर नहीं हैगा, मेहनत आपां करनी है, मेहनत कदे भी कीती व्यर्थ नहीं जांदी। अज नहीं तो अगले वारी काम आ जाऊगी, काम जरूर आऊगी, ये गारंटी है। क्योंकि कदे भी देखो जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब जी हैगे ने, दसा पातशाहियां दी जोत, उहदे विच जो लिखिआ है कि एक चीज़ सच है, सच है, सच है, सच है, ये मन लिओ, ठीक है, ये मन के चलिओ। जे मन लओगे तो बहुत खुश रहोगे, उहदे हुक्म दे विच चलना चाहीदा, ठीक है। तो बाकी दिल तो दवावां ने, तुहाडा पेपर वधिया होवे। अज का पेपर भी वधिया होवे सब का। कल दे भी रिव्यू बहुत अच्छे आए हैं भी कंप्यूटर का सबजैक्ट सारा भी अपने किराया चो ही आया, तो इस करके मैं देखो फुल फॉर्म बच्चे कह रहे भी ज़्यादा पूछी जा रही है, तो इदा आके मैं रिव्यू दोगे अपन उधर रिगार्डिंग कोई वीडियो पाया पावे तो अगले बच्चों को हैल्प हो सके। तो शुक्रिया जी, धन्यवाद सब का, सारे वधिया वधिया पेपर करके आयो, रिलैक्स जाओ, कूल माइंड जाओ, कोई चक्कर नहीं हैगा गा, नौकरी सब कुछ नहीं हुंदीगी, ठीक है, आपां मेहनत करनी है बस, बाकी वो परमात्मा जो लिखदा चंगा ही लिखदा है। तो धन्यवाद जी, सरबत दा भला बाबा मेहर करे, तो वीडियो कर दिओ लाइक, तो शेयर वाला बटन भी नप दिओ।